नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। लखनऊ में किसान महापंचायत राकेश टिकैत का ऐलान, 3:30 बजे तक सरकार के लोगों ने बात न की तो राजभवन घेरेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ में आयोजित किसान महापंचायत में राजभवन घेरने का ऐलान किया है। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। खबर विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले लखनऊ के इको गार्डन में आयोजित किसानों की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि अगर 3:30 तक सरकार ने नुमाइंदों ने इको गार्डन के मंच पर आकर महापंचायत में किसान से बात नहीं की तो राजभवन का घेराव किया जाएगा। इसके लिए किसानों ने तैयारी शुरू कर दी है। महापंचायत में भाग्य प्रवक्ता राकेश टिकैत, हनान मोला, शिव कुमार आदि बड़े नेता तथा विभिन्न जिलों से आए किसान शामिल हुए। वक्ताओं का कहना है कि 6 मांगों को पूरा करने का वायदा करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त कराया था, लेकिन अभी भी मांगे पूरी नहीं हुई है। यदि वे मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि उन्हें रोकने की कोशिश ना की जाए। किसान रुकने वाले नहीं हैं, ना तो वे दिल्ली जाने से रुके थे, ना लखनऊ आने से रुके हैं, राजभवन पहुंचने से भी नहीं रुकेंगे। राकेश टिकैत ने कहा था कि किसानों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उनकी जमीन कब्जाने की साजिशें हो रही हैं। सरकार कभी खेतों में कटीले तार लगाने पर प्रतिबंध लगाती है तो कभी ट्रैक्टर ट्रॉली पर। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। जीएम सरसों को मंजूरी जैसे निर्णय भी किसान विरोधी हैं। गन्ने का बकाया भुगतान, बिजली आपूर्ति, एमएसपी पर गारंटी, कर्जा माफी, किसान पेंशन, आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी जैसे तमाम मुद्दे हैं जो हल नहीं हो पा रहे। संवाददाता आरती सचदेवा की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।